तो ये देखो गाइस, आधे से ज़्यादा जो बोड़े हैं वो हमने भर दी हैं। अभी थोड़े बहुत रहते हैं, अभी तल आएगा फिर शायद इंशाल्लाह बढ़े। अब थोड़ी सी रेत रह गई। लेकिन मलक जलील का आपने कभी नहीं देखा होगा, ये देखो जो रेत है हमारी बाढ़, वो सारे हम लोग बोड़ों में डाल के छत पे लेके जाएंगे। उधर से ईंटें निकालेंगे, ईंटें थोड़ी साफ करेंगे, देखेंगे या फिर बोड़े भी नहीं ऊपर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है जी, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून है, 2:41 टाइम हो रहा है। बाकी अभी पहनते शूज। जो रेत है हमारी बाढ़, वो सारे हम लोग बोड़ों में डाल के छत पे लेके जाएंगे। उधर से ईंटें निकालेंगे, ईंटें थोड़ी साफ करेंगे, देखेंगे या फिर बोड़े भी नहीं ऊपर रखेंगे, अभी बोड़े नीचे ही रहेंगे। बाकी मैंने पहले जुराबे पहने थे, वो वाली मम्मा ने मशीन लगाई हुई है, मशीन में डाल दी, अभी फिर नई निकालनी पड़ी, अब नहीं पहनूंगा। बाकी भी पहन के मिलता हूँ। तो ये देखो गाइस, आधे से ज़्यादा जो बोड़े हैं वो हमने भर दी हैं। अभी थोड़े बहुत रहते हैं, अभी तल आएगा फिर शायद इंशाल्लाह बढ़े। अब थोड़ी सी रेत रह गई, रुको दिखा दो। देखो पहले कितनी ज़्यादा थी, आधे से ज़्यादा बोड़े हमने भर दी हैं, थोड़ी सी रह गया। बाकी अभी चलते हैं गली में, तला वो देखते हैं फिर उसको। ये देखें, अनवार भाई का मुकाबला लगा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा नलका ले गए हैं देखो, और ये गुड्डा उड़ा रहे हैं, उनके पास और गुड्डे नहीं है। मुकाबला किसके साथ लगा है? वो सामने टेंगड़ी नजर आ रहा है, ये शापर, इसके साथ मुकाबला लगाओ। चलो अनवार भाई, क्या करोगे फिर हैं, क्या किया जाए इसका? वो कुछ किया जाएगा ना, किसकी सजा होगी बहुत बड़ी। अच्छा इसका वो किया जाएगा, मैं फांसी दूंगा इसका, बहुत वो चौड़ी हुई है। ओए अनवारा कहना भी तन फांसी देसा, ये ना हो अनवार भाई फांसी पे खुद ही लटक जाओ। ये देखो गाइस, जिनके पेचे लाग रहे हैं पीला या छिक मारने के लिए। जी अनवार, आप फांसी लटका देते है ना, फांसी इधर अपने फैन के लिए कुछ बोल दो ना, जो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि मलक अगर तुक्का अगर मेरे हाथ में देता रहा तो मैं इसको पूछता कि किधर जाता है। अच्छा बताओ ना, आपके फैन आपके कह रहे हैं हमने मिलना है, मेरी जान हो सारे। कौन सी जगह पे आए वो मिलने के लिए? बिल्कुल कॉलोनी गली नंबर 9 में, किधर भी आज गली में, गली नंबर 9 में प्लॉट भी है हमारे पास। बोतल ले ले कर आनी है भाई जी, ये डाइनल कम फैन फॉलोइंग इस तरह नहीं होती। एक डाइनल 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 इधर ऑटो 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 टाइट हो रहा है, मतलब एक बड़े यही भी है डोर, ये रखती है वही जाना कुकड़ी का जो गड्ढा पकड़ा है। छोटो सा थू थू इसको ढोल आएगी डाइट। देखो बाबा जी, अभी अभी आया तुम्हारा भाई कार, ये सामने रेत शेत पड़ी हुई है। तुम लोग कहते हो ना कि तुम्हारे खुडे नहीं बहाने, चार्ली जी मजाक खा के नीचे कर रहे हो। तुम्हें पता है जब किसी से फ्री काम करवाना हो ना तो उसके नखरे शकरे उठाने होते हैं। हम फ्री काम करवाते हैं, हम पैसे दे के नहीं काम करवाते। रेत भी फ्री आई है, वो सीमेंट भी फ्री है। दरवाज़ा करते बंद, कल इंशाल्लाह 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 हमारे खुडे बन जाएंगे, क्योंकि वो बंदा आ रहा है, टाइम उससे लिया हुआ था, टाइम दिया था उसने, तब हम लोग उससे खुडे बनवाने। बाकी जो खरगोश है अपने वो इधर ढके हुए हैं, और जो कबूतर हैं वो इधर ढके हुए हैं, मुर्गे शुर्गे अब बाहर ही रखते हैं। अब सर्दी का इतना रोला शोला कोई नहीं है, क्योंकि ठंड चली गई, अब गर्मियाँ आ रही हैं। ऊपर खुडे बनाएंगे, फुल ऐसे निज़ाम करेंगे, 14-15 खुडे ऐसे बनाएंगे, इंटे शंटे कल साफ करेंगे, रेत भी ऊपर ले के जाएंगे। बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, अब नेड़े ही लगे हुए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।